आज हम बनाने वाले हैं सुपर डिलीशियस रेड सॉस पास्ता, जो स्वाद में है नंबर वन और बनाने में बहुत आसान। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ 5 मिनट में झटपट से तैयार हो जाता है। आपको बस पहले से पास्ता बॉईल करके रख लेना है और इसके बाद आप जब चाहें 5 मिनट में रेड सॉस पास्ता बनाकर इसे गर्मा गर्म सर्व करें और इंजॉय करें। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निधि और मेरे चैनल पॉजिटिव आशा में आपका स्वागत है। वीडियो को पूरा देखिए और अच्छी लगे तो इसे एक लाइक जरूर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वो छोटी सी घंटी है ना, उसे दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। तभी तो मेरी आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी सबसे पहले। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जरूर फॉलो करें @positiveasha पर। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं मेरे साथ मेरे स्टाइल में। तो चलिए सबसे पहले पास्ता उबालेंगे। गैस को मैंने कर लिया है ऑन और अब एक बर्तन लेकर उसमें हम करीब 5 से 6 कप पानी डालेंगे और इसे बॉईल करेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच वेजिटेबल ऑयल। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से एक बार। तो अब पानी में उबाल आना शुरू हो चुका है। मैंने यहाँ पर लगभग 2 कप पेने पास्ता लिया है, जो मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। और आप चाहें तो किसी भी शेप का पास्ता ले सकते हैं, या तो स्पाइरल शेप में ले सकते हैं या एल्बो शेप पास्ता जिसे मैक्रोनी कहते हैं वो भी ले सकते हैं। तो अब मैं इसे पानी में डाल दूंगी और इसे हाई फ्लेम पर हमें 7 से 8 मिनट तक पकाना है और हमें इसे लगभग 80% जितना ही पकाना है। तो देखिए लगभग अब 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और पास्ता का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। इसमें एक चमक आ गई है और ये देखने से ही लग रहे हैं कि ये पक चुके हैं। हमें इसे ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए मैं आपको एक पास्ता तोड़कर दिखाती हूँ। तो देखिए ये आसानी से कट रहा है, इसका कच्चापन निकल चुका है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कसर अभी बाकी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमें इसे ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है, तो बस अब इस पॉइंट पर गैस को बंद कर देंगे और अब इसे छान लेंगे। इसके बाद आप इसे नल के पानी से धो सकते हैं ताकि इसके अंदर की गर्माहट निकल जाए और इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। पास्ता परफेक्टली बॉयल हो चुके हैं और देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। अब एक कढ़ाई लेंगे, गैस को ऑन कर देंगे और इसमें 2 to 3 teaspoon ऑयल लेंगे। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल या बटर भी ले सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें 1 छोटा चम्मच कटी हुई लहसुन ऐड करेंगे और इसे कुछ सेकेंड्स के लिए हम सौते करेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। इसके बाद मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया और उसे फाइनली चॉप कर दिया और अब हम इसे ऐड कर देंगे। हमें इसे 1 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पर सौते करना है, इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। हमारे प्याज ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं तो इस पॉइंट पर हम इसमें कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर शिमला मिर्च ले रही हूँ, इसे मैंने चौकोर टुकड़ों में काटा है। आप चाहें तो इसे लंबाई में भी काट सकते हैं, किसी भी शेप में काट सकते हैं। और साथ ही चाहें तो दूसरी भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कैरेट हो गए और चाहें तो आप इसमें मशरूम भी ऐड कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को हाई टू मीडियम रखेंगे और इसे 1 मिनट तक के लिए सौते करेंगे ताकि सब्जियाँ क्रंची रहें। और अब इसमें ऐड करेंगे 1 कप पास्ता सॉस, जो बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है। अब इसे मिक्स कर लेंगे। 1 सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस करके आता है, तो मैं मार्केट गई थी तो मुझे ये मिला, मैं ये लेकर आई। और आप चाहें तो आपको किसी भी ब्रांड का पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस मिले आप वो यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ये ही यूज़ करें। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 teaspoon मिक्स्ड हर्ब्स, 1/2 teaspoon ऑरेगेनो मिक्स। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे एक बारी। और अब बारी आती है नमक ऐड करने की, तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड करें। यहाँ पर मैं 1 छोटा चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए 1 छोटा चम्मच टोमेटो सॉस ऐड करेंगे। इसे मिक्स करने के बाद इसमें हम बॉइल्ड पास्ता ऐड कर देंगे और अब इसे सॉसेस के साथ हल्के हाथों से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि पास्ता कितना बढ़िया कलर के साथ तैयार हुआ है, बहुत ही यमी लग रहा है। अब इसे सिर्फ 1 मिनट तक के लिए पकाएंगे।
और दोस्तों इसमें मैंने आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स भी ऐड किया है। पता नहीं मेरा कैमरा कैसे ऑफ हो गया और मैं ये क्लिप ले नहीं पाई। अब इसके टेस्ट को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर मैं चीज़ स्लाइसेस ले रही हूँ, तो ठीक वही वाली जो हम ब्रेड में डालकर खाते हैं। तो इस तरह से इसे तोड़कर डाल सकते हैं। यहाँ पर टोटल मैंने 2 स्लाइसेस यूज़ की हैं। अगर आपको चीज़ ज़्यादा पसंद है तो आप 3 से 4 स्लाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। बस इसे मिक्स करेंगे और ये बिल्कुल तैयार है प्लेटिंग के लिए। गैस की नॉब को बंद कर देंगे और इसके अंदर की गर्मी से चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा और हमारा शानदार पेने पास्ता विथ रेड सॉस तैयार है। और हम इसकी प्लेटिंग भी बिल्कुल शानदार तरीके से ही करेंगे। आप चाहे तो नमक चेक कर सकते हैं, तो जिस तरह से मैं चेक कर रही हूँ नमक बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए अब देर किस बात की। साथ ही यहाँ पर मैंने 2 चीज़ क्यूब्स लिए हैं जो कि वही हम सैंडविच में यूज़ करते हैं, तो इसे हम ग्रेट कर लेंगे और पास्ता की गार्निशिंग हम इसी ग्रेटेड चीज़ के साथ करेंगे। तो प्लेट में पहले थोड़ा सा पास्ता रखेंगे, उसके बाद आप ये चीज़ स्लाइस देख रहे हैं ना, तो एक चीज़ स्लाइस हमने पास्ता के ऊपर फैला देना है और इसके बाद हम इस चीज़ को पास्ता की एक और लेयर से पूरी तरह से कवर कर देंगे। और अब इसकी गार्निशिंग हम ग्रेटेड चीज़ क्यूब के साथ करेंगे जो पहले से हमने ग्रेट करके रखी हुई है। तो लीजिए तैयार है पेने पास्ता विथ रेड सॉस। अब टाइम आता है इसे इंजॉय करने का। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।